जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना, दिल उसका नहीं दुखाना। सब कुछ करना लेकिन माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना। माँ बाप का दिल दुखता है, आसमान में दरारें पड़ जाती हैं, भगवान भी नाराज हो जाता है, क्योंकि भगवान ने अपने ही रूप में हमें दो प्राणी भेजे हैं जिनका नाम है माता और पिता। माता पिता परमात्मा का दर्जा दिया है संतान के लिए। माता पिता भगवान का स्वरूप है इस मृत लोक में, तो सब सब करना लेकिन माता पिता का कभी दिल मत दुखाना। तभी कहा है कि माँ बाप से बढ़कर जग में, जग की बात कर रहा हूं मैं, किसी गांव की बात नहीं करता। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, सोना चांदी धन दौलत रुपया पैसा सब छोटे हैं इनके आगे। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप का कभी दिल नहीं दुखाना, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के संसार में कोई परमात्मा नहीं, कोई भगवान नहीं। संतान को माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बोले गोविंद भगवान की। और कथा में आओ तो चार बातें लेके जाओ करो, याद है कि ना परीक्षा जी? चार बातें ना याद? अब हाल बताएंगे। कथा में आओ तो चार बातें लेके जाओ। भगवान की कथा किसी स्थान पर तुम्हें जीवन में काम आ सकती है, किसी स्थान पर, किसी जगह, किसी मंदिर में, किसी परिवार में, किसी घर में, किसी दरबार में, किसी द्वार में, कहीं भी काम आ सकती है भगवान की कथा। तो भगवान की कथा हम आपको प्रेम से चार बातें, और देखो मैं एक दयायती तरीका से वैसे ही समझा दूं। एक पंडित जी थे, पंडितानी और पंडित जी की कपड़ा थी, कपड़े की दुकान, सॉरी जीव जी रिपट जाते जब ज्यादा बात कतर हो ना, तो जावरू बावरू भज जाते हैं। कपड़े की दुकान पंडित जी की, और कथा गांव में होए ना सुने। पंडितानी बोली, पंडित जी बात सही ना है, गाँव में कथा हो रही है, दो चार दिन तो सुनी ले। अरे बोले का बताए, दुकान तो फुर्सत ना है। बोले फुर्सत तो मिल जाएगा, एक काम करो कथा सुन लो। तो पहले कपड़े की दुकान वाले कैंची और फीता संग ही ले जाते थे। पंडित जी ने कही लाओ घंटा खाड़ो कथा सुने, तब दुकान खोल लेंगे। का है अब बैठ गए पंडित जी वाली बात कहे को क्या, व्यास जी ने देखा सो पास में बिठा लिया, और पीछे बैठ गए पंडित जी। कथा चल रही है लेकिन जान नींद काऊ ना आए, समझो घर में रात के 2 बजे तक नींद ना आए, और कथा में बैठे खुर चालू नींद। पंडित जी को आए गई सवार, और सवार में एक सपना, और कौन सो कि पंडित जी की दुकान पर कोई 2 मीटर कपड़ा लेने आया है। अब सपने में सोत में उनने कैंची निकाली जेब में, और पंडित जी व्यास जी को कुर्ता पीछे तो उठाओ और बस सेवा में लगाओ और चीरबो को नंबर लगाओ। जैसे ही कुर्ता चीरो व्यास जी बोले क्या कर रहे हो पंडित जी, हमारा कुर्ता फाड़ दिया। बोले हम तो जानी दुकान पर बैठे हैं, हमें जना मालूम कर पाई, हम कथा में बैठे हैं। काम करो, कल जब आएंगे तो हम तुम्हारे लिए
नहीं, एक कुर्ता का कपड़ा लेके आएंगे। बोले ठीक, चले गए। लेकिन व्यास जी ने एक बात और कही कि कथा में आओ तो चार बातें लेके जाओ। पंडित जी बोले कल दुकान और ना खोलेंगे जो चार बातें और देखनी है कौन सी। चार बातें तो भगवान की, लेकिन वो वादा करके गए थे, समझना मेरी बात को, बात कम करो। अब वादा करके गए थे कि कुर्ते का कपड़ा लेके आएंगे, तो व्यास जी ने दूसरे दिन देखो दूर थे, और जब आए गए तो पंडित जी वैसे बैठे थे पीछे, लेकिन कपड़ा ना लाए सब पीछे बैठ गए बिल्कुल पंडाल। अब व्यास जी ने कही आप तो ये पास में आए और कपड़ा मांगो कैसे जाए। उनने कही कहो आए गए। अब जिन आए कही हाथन में कछू ना आए, कहो आए गए। सो पंडित जी ने हाथ पर लिख ली आए गए। अब बे झुके, अरे अरे झुके ही जाता हूँ, दिल ने ताश गई तो मैं झुके जाता हूँ, आज यहाँ ना आया। अरे बोले अरे झुक गए। सब बिन ने हाथ पर लिख ली झुक गए। अब वे बैठ गए। जब बैठ गए तो व्यास जी ने ये कहा ओ बैठ गए। सब बिन ने हाथ पर लिख ली बैठ गए। पूरे दिन पंडित जी बैठे रहे, चौथी बात ना मिली। और जब आरती प्रसाद हुआ और जब चले तो वे वहीं से चले गए। व्यास जी ने ऊपर से जगह चल रहे। सब बिन ने कही देखो पूरा दिन है वो तब मिली। अब बिन ने हाथ पर लेके ली चल रहे। अब उन्हीं बातों को उन्होंने रटना शुरू कर दी। आए गए झुक गए बैठ गए चल रहे, आए गए झुक गए बैठ गए चल रहे, आए गए झुक गए बैठ गए चल रहे। संज्ञा को सोए पंडित जी सपने में जई बातें आने लगी। आए गए झुक गए बैठ गए चल रहे। इतना तो सपना शुरू हुआ और पंडित जी घर में चार चोरों का आना हुआ। और गेट पे चोर आए तैसे ही पहले भाई बात नहीं करे परी आए गए। चोर बोले मर गए जग रहो जग रहा ये जग रहा है। चोर बोले एक काम करो थोड़े झुक जाओ। जैसे ही थोड़े झुके और थोड़े झुके सब भाई दूसरी बात ओ झुक गए। चोर बोले भैया एक काम करो पकड़ जाओ बैठ जाओ। अब चोर बैठे सो तीसरी बात काए बैठ गए। चोर बोले अब एक काम करो यहां से चलो जी पंडित जगे रहो। और जैसे ही चारों चोर चले चौथी आवाज ओहो चल रहे। सपने से चोरी बच गई पंडित जी के घर की। बात कहां थी कथा की, बात कहां थी भागवत की, इसलिए बच गई। तो भगवान की कथा तो ब्रह्मांड में गूंज रही है। जब पकड़ना चाहो पकड़ लोगे, जिस शब्द को लेना चाहो ले लोगे। दुनिया मिट जाएगी, हम तुम मिट जाएंगे, लेकिन ये कथा मिटने वाली नहीं है। इसलिए हमें इसको बड़े प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए। बोल गोविंद भगवान की। बड़े प्रेम से भगवान का कीर्तन बोलेंगे।